नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश महासचिव गुरमीत सिंह मंगू के खिलाफ एक्शन की तैयारी। रीवा कलेक्टर को पत्र लिख दिया गया है। दरअसल रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के विरोध में किए गए एक ट्वीट पर संज्ञान लिया है। ये ट्वीट भाजपा नेता गौरव तिवारी ने किया था। वो वीडियो ट्वीट किया था जिसमें बच्चे नारा लगा रहे हैं और ये बच्चे सीधे तौर पर गुरमीत सिंह मंगू के पक्ष में और राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ कुछ नारे लगा रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ इस नारे के मामले में ये जो ट्वीट उन्होंने किया था ट्विटर पे, इस पर अब एक्शन की बात हो रही है और सीधे सीधे रीवा कलेक्टर को कार्रवाई के लिए कहा गया है। पूरा मसला यह है कि बीजेपी के नेता गौरव तिवारी ने एक ट्वीट किया था जिसमें शिकायती ट्वीट में गुरमीत सिंह मंगू सरदार द्वारा बच्चों का उपयोग विरोध के लिए किया गया, उसी ट्वीट पर यह कार्रवाई की बात हुई है। पूरा मसला यह था कि एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था जिसमें चुने हुए सीधे तौर पर बीजेपी नेता गौरव तिवारी का आरोप था कि चुने हुए जनप्रतिनिधि विधायक के ऊपर बच्चों से आरोप लगवा रहे हैं। राजनीति में आरोप लगाते हैं, पर क्या छोटे बच्चों द्वारा इस तरह से कहलवाना उचित है? पूरा वीडियो है, पहले आप पूरा वीडियो देखिए कि इस वीडियो में क्या है। रीवा को किसने लूटा? रीवा को किसने लूटा? रीवा को किसने लूटा? अब इस पूरे मसले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प को लेटर लिखा है और कहा है कि तुरंत इंक्वायरी करके नेसेसरी एक्शन जो लिए जा सकते हैं वो लिए जाएं। अब क्या कुछ होगा इस पूरे मसले पर, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बीजेपी नेता गौरव तिवारी ने ट्वीट किया था और उस ट्वीट के बाद इस पर एक्शन हुआ है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने रीवा कलेक्टर को इस पूरे मामले की डिटेल भेजी है, एक पत्र लिखा है और कहा है कि इस पर जो भी एक्शन हो सकता है वो रीवा कलेक्टर जांच करके एक्शन लें।